यहाँ पर हम बांट रहे हैं इनके शहर वाले के सुशील नाम है कि सुनील? हाँ, सुशील। यहाँ पर लखनऊ जिले के एक सुशील यादव हैं, वो यहाँ मधुमक्खी वगैरह का वो अपना उनका व्यापार है, पीछे बक्से लगे हुए हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को शहद भेजा करते हैं। तो उनकी इसी कृपा है, उन्होंने कहा आप बाबा जी रायबली से आते हैं, बजरंगबली के इतने बड़े भक्त हैं, तो आपको हम बहुत रियायत में शहद देंगे। तो हम 2-3 किलो ले जा चुके हैं, 3 किलो आज भी ले जाएंगे। तो ये इनकी महानता है, सुशील यादव जी की, लखनऊ के रहने वाले हैं। तो हमने कहा यहाँ के बच्चे छूट गए सोदौली में, तो हमने बांट दिया, अभी थोड़ा वहाँ भवनेश्वर में भी बांटेंगे। आओ बच्चे आ जाओ, तो आओ भाई आओ, दौड़ के आओ भाई, इतना टाइम नहीं हमारे पास। हाँ रहो, ये खेमू भैया की जोर से बोलो, आवाज नहीं कहा हो तुमने, सुनील भैया की जय। हाँ, सुनील यादव की जय, खेमू भैया की जय, विवेक भैया जागरण वाले की जय। हाँ ठीक है, जो हो गया। और इसको 2 ठो कंपट भी है रखा है, तुम लोग यहीं खड़े रहो, तुमको अभी जो जी कंपट हो। हाँ वही दे दिया, ठीक है। अच्छा हो गया, सबको मिला, उसको मिला, सबको मिल गया, बस ठीक है। इसको ले, इसको मुट्ठी में डाल दूँ, बाकी बंदर को दे देंगे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे आगे, एक थोड़ी ही दूर पर भंवरेश्वर है, वहाँ हमारा बाल भोज बंदर भोज भी होगा वहाँ, और वहाँ से करने के बाद फिर रायबली के लिए रवाना होंगे। अभी तक आपने बहुत कुछ समझा होगा, ऐसे बच्चों का आशीर्वाद मिल जाए तो सबसे बड़ा आशीर्वाद। कौन ऐसा संकट है, कौन ऐसी बाल भोज भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, बानर भोज और बानर भोज बाल भोज, बानर बाल एक स्वभाऊ, इनकी भी बंदरों में गिनती है। हनुमान जी इससे भी प्रसन्न होंगे, आपके इलाके में बंदर नहीं है तो आप छोटे छोटे बच्चों को बुलाइए, बच्चों को बांट दीजिए, कुछ भी खाने को दे दीजिए इनको, ये प्रसन्न हो गए, आपका काम बने, आपकी बीमारी से छुट्टी पाएंगे, PGI में जाने से बच जाएंगे, मामला मुकदमा होगा उसमें आप जीतेंगे, चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो वोट आपको ज़्यादा मिलेगा, परीक्षा दे रहे हैं तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, करके तो कोई देखे, ये लोग नहीं करते। मेरा अंधा समाज रायबरेली में शिवरात्रि के नाम पर बड़े बड़े भंडारे 15-15 लाख रुपया फूंका जाता है, और पूछा जाए कि आज तक शंकर जी की कृपा भाई किसी पर, क्यों आपका पैसा व्यर्थ जा रहा है भंडारे में। सियाने लोग भंडारे में, साधु कोई किसी जमाने में साधुओं को भोजन दिया जाता था, आज साधु साधु नहीं है। अगर कोई साधु है, कोई पंडित है, कोई महात्मा है, तो ये महात्मा खड़े हैं, इनसे बड़ा इनकी बराबरी मैं, इनके पैर के मिट्टी की भी बराबरी मैं नहीं कर सकता हूँ, जबकि 4852 नंबर का भोज आज मेरा होने जा रहा है, बानर भोज बाल भोज 4852 होने जा रहा है, फिर भी इनकी बराबरी हम नहीं कर सकते, ये महान है। काम क्रोध लोभ मोह सब इनके बस में है, इनको एक झापड़ मार दीजिए, 2 टॉफी दे दीजिए, 2 कंपट दे दीजिए, आपको माफ कर देंगे, और एक झापड़ आप हमको मार के देख लीजिए, एक झापड़ शंकराचार्य को मारिए, तो हमारे दिमाग में 24 घंटा एक ही बात रहेगा कि कैसे तुम हमका अकेले में मिलो तो तुम्हारे त्रिशूल हम आरो पार कर देंगे, ये मानव स्वभाव है। लेकिन मेरा अंधा समाज है, बाल भोज बानर भोज से बड़ा कोई भोज नहीं, गौ भोज गधा भोज कोई करो तो, इनसे बड़ा कोई भोज नहीं है। लेकिन वो नहीं समझ में आएगा, सुनेंगे हाँ हाँ महाराज बड़ी अच्छी बात आप कहते हैं, लेकिन पहुंच जाएंगे उसी भंडारे में, भंडारा भंवरेश्वर में शिवरात्रि में भी भंडारा होगा, पंजाब से आवेंगे, 50,000 रुपया उसका लगेगा, लेकिन उसको मैंने मूर्ख को समझाया, अरे बच्चों को खिलाओ, बंदरों को खिलाओ, अगर कुछ प्राप्त करना है ये ठिलुहन का ना खिलाओ, और साधु अब साधु साधु नहीं रह गया, गांजा एकदम लगा रहे बैठे, कौन साधु,
जो सेवा का काम करे वही साधु है। लोग ये कांवरियां हैं, कांवर लेके चले जा रहे हैं, भोले भोले भोले। पूछो तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन हुआ, तुम्हारा कोई काम बना? नहीं बना। लेकिन इनको अगर आप खिलाएंगे, इनको देंगे तो काम बनेगा। एक बच्चा जो है 1000 महात्मा के बराबर है। एक बालक किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, बालक बालक होता है। धन्यवाद। वही यार इसी दाब दिया। हाँ बेटा, तो अभी हम दौटानी में ले लेते हैं। लाल वाला होगा।